जूनियर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसका पोस्ट कोड है 796 और जो हम सीरीज इसमें डिस्कस करेंगे वो सी है। पहला क्वेश्चन मैच करने के लिए है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर सी है, दूसरे का आंसर बी है। जो तीसरा क्वेश्चन है, टू मेन सिस्टम इज कंसर्न विद, तो इसका जो आंसर है वो डी दिया गया है, ऑर्डरिंग प्रोसीजर। फोर्थ क्वेश्चन है, शेड्यूलिंग इज, तो इसका जो आंसर है वो तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर, तो इसका जो आंसर है वो सी है, तो बीम होगा इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बी ब्लॉक इज यूज्ड इन द वर्कशॉप टू चेक, तो इसका आंसर बी है, राउंडनेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल ब्लॉक। सेवन्थ क्वेश्चन है, ऑटो कॉलिमेटर इज यूज्ड टू चेक, तो इसका यूज हम करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, सी इसका ऑप्शन होगा। एट्थ क्वेश्चन है, द एम एंड ई सिस्टम इन मेट्रोलॉजी आर रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ, इसका आंसर जो होगा वो सरफेस फिनिश है, डी इसका ऑप्शन होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है कि पर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी टाइम इज अज्यूम टू बी, इसका आंसर सी है, जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये। टेंथ क्वेश्चन है, सेगमेंट चिप्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मशीनिंग, तो इसका आंसर बी है, कास्ट आयरन होगा इसका आंसर। इलेवेंथ क्वेश्चन है, साइड रिलीफ एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट टूल इज द एंगल, तो इसका ऑप्शन सी राइट है। ट्वेल्थ क्वेश्चन, साइड ट्रैक एंगल ऑफ ए सिंगल पॉइंट टूल इज द एंगल, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। थर्टीन क्वेश्चन है, इन द सेंट्रलाइज्ड ग्राइंडिंग द रेगुलेटिंग व्हील इज इंक्लाइंड एट, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है, 0 to 8 degree तक रहता है इसका। फोर्टीथ क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ जिग एंड फीचर इज, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी रहेगा, इसमें ऑल सभी ऑप्शन ठीक है। फिफ्टीन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट आर यूज फॉर प्लांट लेआउट डिज़ाइन, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। सिक्सटीन क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ ए सिलेंडर हेड गैजेट इज टू, इसका ऑप्शन जो है वो ए रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल इज अबाउट 0.85, सी इसका ऑप्शन रहेगा। 18th क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन ए ऑटोमोबाइल इज टू, इसका आंसर बी रहेगा, लिमिट द व्हीकल स्पीड। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज मोर विस्कस, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। 20th क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज टू, इसका ऑप्शन सी रहेगा, मेंटेन द डायरेक्शन कंट्रोल ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय प्रिवेंटिंग द व्हील फ्रॉम लॉकिंग। 21 का जो ऑप्शन है वो डी रहेगा। 22 क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम आर यूज फॉर, इसका ऑप्शन रिमिंग रहेगा। 23 क्वेश्चन है, विच मशीन टूल आर बेसिकली हैंडल्ड एंड कंट्रोल बाय कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन स्पेशली एट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका ऑप्शन डी है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। 24 क्वेश्चन है, पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड इन, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, सीएनसी मशीनिंग। 25th क्वेश्चन है, द डिवाइस फेड टू द कंट्रोल यूनिट ऑफ एनसी मशीन टूल विच स्टैंड द
position command signal to sideway transmission element of the machine is called, तो इसको जो ऑप्शन है वो ए रहेगा, टेप इसका सही आंसर है. 26th क्वेश्चन है, which of the following is not an important condition for preventing maintenance, तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो डी रहेगा, while used. 27th क्वेश्चन है, which of the following is not a material handling equipment, तो इसका जो ऑप्शन है उसी रहेगा, tongs. 28th क्वेश्चन है, which of the following are not counted among periodic inspection, तो इसका जो आंसर है वो सी रहेगा, wild burnings. 29 ऑप्शन है, क्वेश्चन है, the cause of accidents in industries are, तो इसका जो ऑप्शन है वो सभी रहेंगे. 30th क्वेश्चन है, important safety guideline related to handling of conveyor is, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही रहेगा, all rotating part should be properly guarded. 31st question है, location of a machine tool means selection of suitable place where the machine tool can be, इसका ऑप्शन सी रहेगा. 32 question है, vibration caused due to external excitation आर नोन एस, तो इसका आंसर बी रहेगा. 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काउज ऑफ चिमनी फेलियर, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी रहेगा, कैविटेशन. 34th क्वेश्चन है, बोथ अलाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट आर नेसेसरी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ मशीन टूल, इसका ऑप्शन जो है ए रहेगा, ये सही बात है. 35th क्वेश्चन है, in order to check and restore the accuracy of measuring instrument is done by recalibration test, B option iska sahi rahega. 36th question hai, the method of lubrication used for anti friction bearing and high grade machine is, iska option C hai, drop feed while lubricator. 37th question hai, x success TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसका आंसर जो है डी रहेगा. 38 क्वेश्चन है, विच इज नॉट अर्न एन एट्रीब्यूट चार्ट, तो इसका आर नहीं होगा, बाकी सभी इसके हैं, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा. 39 क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, तो सी इसका सही आंसर रहेगा. 40 क्वेश्चन है, विच लोकेट द काउज ऑफ ट्रबल एंड रिमूव देम बिफोर द ब्रेकडाउन अकर, तो इसका आंसर ए रहेगा, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस. 41th क्वेश्चन है, सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस मींस दैट दोज पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ मेंटेनेंस हैव, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा. 42 क्वेश्चन है, वेरियस स्टेज ऑफ मेंटेनेंस आर, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 क्वेश्चन है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ मशीन इज मेंटेन्ड बाय द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ, इसका ऑप्शन डी रहेगा, मशीन डाटा शीट. 34 क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपेयर modification, replacement and overhauling conduct on machine is maintained in, इसका option B सही रहेगा, machine history card. 45th question है, the property of the material which enable it to withstand shock and vibration is called, तो इसका option है B, toughness. 46th question है, when machine parts are to be transported, a layer of grease is. 100th question है, then an ideal machine is one whose efficiency is 100%. तो C इसका option रहेगा. 101, the ratio of static. An ideal machine is one whose efficiency is 100%. तो C इसका option रहेगा. 101,
The ratio of static friction to dynamic friction is always greater than 1. Option C is sahi rahega. According to the Euler column theory, the crippling load for a column of length L hinged at both ends. So this option A rahega. 103 question hai. The thickness in thick cylinder shell subjected to an internal pressure, the tangential stress across the thickness of the cylinder is, to iska option B rahega. 104 question hai, the hoop stress in a riveted cylindrical shell of diameter D, thickness D, and subjected to internal pressure, iska option B rahega, PD upon 2TN. 105 question hai, an perfect elastic body, iska option D rahega, recover its original size and shape when the deforming force is removed. 106 question isme match karne ko hai, to iska jo option hai wo C sahi rahega. 107th hai, the temperature stress is a function of, to iska sabhi option bilkul theek hai, to D iska answer hai. 108, a pull of 10 ton have been suddenly applied to a rod of 10 cm square cross section area, the maximum stress produced in the rod will be, to iska jo option hai wo D theek rahega, 2 ton per cm square iska answer hai. 109th question hai, the Bending equation kaun si hai, iski option A sahi rahega. 110 question hai, stiffness of a cross coil helical spring in term of wire diameter D, modulus of rigidity G, number of turns in N and mean coil radius R is given by, option C sahi hai. 111 ka jo option hai wo isme C sahi rahega. 112 ka jo option hai, question hai, the loss of head at exit of a pipe is, iska option A sahi rahega, V ka square upon 2G. 113 ka question, the discharge of a rectangle notch is, iska option C sahi rahega. 114 question hai, the pressure of fluid due to hammer blow is, iska option C sahi rahega. 115th question hai, mechanical efficiency of centrifugal pump is the ratio of, iska option A sahi rahega. 116th hai, the specific speed of turbine is given by the equation, to iska option C sahi rahega. 117th question hai, the hydraulic ram is a device used to, iska option D sahi rahega. 118 hai, the cavitation in reaction turbine is avoided to great extent by, iska option sabhi theek hai, to iska option D theek rahega. 111 question hai, energy can neither be created nor destroyed but it can be transferred from one form to another, this statement is known as first law of thermodynamics, iska option B sahi rahega. 120, when the gas is cooled at constant pressure, iska option D sahi rahega, both temperature and volume kam ho jayenge. 121 question hai, the condition for reversible process is, iska option A sahi rahega. 122 hai, for the same compression ratio, the efficiency of fuel combustion cycle is, option A sahi rahega. 123 question hai, Carnot cycle consists of, iska option B sahi rahega, isme two isothermal processes hote hain aur two isentropic process hote hain. 124 question hai, the aim of compound steam engine is, iske sabhi options sahi hain, iska D option sahi rahega.
परफॉर्मेंस ऑफ ए बॉयलर इज मेजर्ड बाय, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। 1 to 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉयलर माउंटिंग, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। 1 to 7 क्वेश्चन है, द कंपेयर टू थ्रोटलिंग गवर्निंग द कट ऑफ गवर्निंग इन स्टीम इंजन इज, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, मोर इफेक्टिव एंड मोर इकोनॉमिक। 1 to 8 क्वेश्चन है, इन रिएक्शन टर्बाइन व्हेन स्टीम फ्लो थ्रू फिक्स्ड ब्लेड, तो इसका आंसर बी सही रहेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा और इसमें वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगा। 1 to 9 क्वेश्चन है, द पावर प्लांट गिविंग लीस्ट रनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, इसका ऑप्शन डी रहेगा और उसके बाद हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल पावर होगा, तो इसका ऑप्शन डी है। 130 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। 131, वर्क डन बाय टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद परफेक्ट इंटरकूलिंग इज, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। 132 क्वेश्चन है, ए जेट इंजन हैज, इसमें प्रोपेलर नहीं लगा होता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 133 क्वेश्चन है, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर यूनिट ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी एक्सेप्ट, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। 134 क्वेश्चन है, ए कंपोजिट स्लैब हैज टू लेयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग थर्मल कनेक्टिविटी K1 एंड K2, इफ ईच लेयर हैज सेम थिकनेस द इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ दिस स्लैब वुड बी, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। 135 क्वेश्चन है, इससे मैच करने को है, तो इसका जो ऑप्शन है ये मैं बता देता हूँ आपको, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। 13 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी सही रहेगा, ऑप्शन डी इसका सही है। 137, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड ऑब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑल बॉडीज इज सेम एंड इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, तो ये स्टेटमेंट जो है क्रिस्टोफ लॉ ने दी है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, फिरॉन 22। 139 क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करने का है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी दिया हुआ है, तो बी इसका सही आंसर रहेगा। 140 का क्वेश्चन जो आंसर है वो सी है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। 141 का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ए सही रहेगा। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल ड्राइव द सेंट्रिफ्यूगल टेंशन इज इक्वल टू, तो जो इसका आंसर है, आंसर के में ए दिया हुआ है, पर इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही रहेगा, तो इसका जो आंसर है वो बी सही रहेगा। 143 है, द आइडेंटिफाइड द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये कौन सा है, वो डी है, पिकरिंग गवर्नर इज एन इनिशियल इनर्शिया गवर्नर, जबकि पिकरिंग गवर्नर भी आपका स्प्रिंग कंट्रोल सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर होता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी रहेगा। 114, स्पाइरल गियर आर सुटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग ओनली स्मॉल पावर, दिस इज बिकॉज दिस गियर हैव, इसमें जो ऑप्शन होगा बी रहेगा, पॉइंट कॉन्टेक्ट। 145, एफिशिएंसी ऑफ वॉर्म गियर ड्राइव कैन बी इम्प्रूव बाय, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो डी सही रहेगा। 146 का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन में बी दिया हुआ है, तो इसका बी आंसर जो है वो सही है। 147 का जो आंसर है वो ए दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। 148, इन लो कार्बन स्टील द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर इम्प्रूव, तो इसमें मशीनिटी इसकी इम्प्रूव होती है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा।
149 भी मैच करने के लिए तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही रहेगा, ऑप्शन बी इज राइट। 150 का विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ पाउडर मेट्रोलॉजी, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही रहेगा। 151 एबीसी प्लास्टिक इज, तो इसका जो आंसर है वो डी रहेगा। 152 एज दिस लोकेशन इज अ, इसका जो ऑप्शन है वो बी सही रहेगा, लाइन इम्परफेक्शन। 153 रेजिडुअल स्ट्रेस आर प्रेजेंट इन, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कोल्ड रोल्ड शाफ्ट में। 154 रिवेट्स आर मेड ऑफ, ये रिवेट्स जो होते हैं वो डक्टाइल मटेरियल के बने होते हैं, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 155 एस्टड हैज, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, इसके दोनों एंड में थ्रेड्स होते हैं। 156 विच इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वार्टर जॉइंट, तो फोर्क एंड इसका सही आंसर रहेगा, बाकी सभी इसके पार्ट होते हैं पर फोर्क एंड इसका पार्ट नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर। 157 द बेयरिंग प्रेशर इज एक्सर्टेड एट राइट एंगल टू द शाफ्ट एक्सिस इन अ, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, रेडियल बेयरिंग। 150 का जो क्वेश्चन है, डाइज फॉर वायर ड्राइंग आर मेड ऑफ, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही रहेगा, कार्बाइड्स। 159 है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी रोल्ड इनटू शीट इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, मैलेबिलिटी। 160 का जो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फॉर्म फॉर्मिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग। 161 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंड्री टूल, तो इसमें जो बी इसका सही ऑप्शन है, बाकी सभी इसके टूल हैं पर इसमें नॉट पूछा है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही रहेगा। 162 इन सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग मेथड, तो इसमें हम कोई भी कोर यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। सीम वेल्डिंग 163 क्वेश्चन है, सीम वेल्डिंग क्या है, ऑप्शन ए सही है, इसमें कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग होती रहती है। 164 वेल्ड स्पैटर क्या है, तो एक ये बेल्ट डिफेक्ट है। 165 विच पार्ट ऑफ कटिंग टूल प्रोन टू ग्रेटर बियर, तो ये फेस पे होता है, इसका आंसर बी रहेगा। 166 लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विद ए स्टैंडर्ड टेपर नॉन एस, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, मोर्स टेपर। 167 इंडेक्सिंग ऑफ जॉब इन मिलिंग मशीन इज अचीव्ड थ्रू, इसका ऑप्शन बी रहेगा, डिवाइडिंग हेड्स। 168 सुजस्ता ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव विच यू कंसीडर मोस्ट सुटेबल फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल ऑफ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसका ऑप्शन जो है सी रहेगा, सिलिकॉन कार्बाइड। 169 वर्क स्टडी इज कैरिड आउट, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए रहेगा, वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटी आर इन्वॉल्व्ड। 170 क्वेश्चन है ए प्रोसेस चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी रहेगा। जितने मैंने ऑप्शन बताए ये सभी आंसर के अकॉर्डिंग है।